हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर फिफ्थ गवर्नमेंट बजट सीबीएसई क्लास 12 का वीडियो नंबर फिफ्थ। अभी तक हमने बजट रिसिप्ट तक पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स का बजट रिसिप्ट, और अब बजट एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बजट एक्सपेंडिचर के दो टाइप्स हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। एक क्विक रिविजन करते हैं। रेवेन्यू का मतलब वो वाली चीजें जिनसे एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता, और कैपिटल का मतलब वो वाली चीजें जिनसे एसेट और लायबिलिटी पे कुछ फर्क पड़ सकता है। साथ में टर्म कौन सी आ गई, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस कर रही है, गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, उस खर्च पे यदि तो कोई एडिशनल एसेट आया है या लायबिलिटी गई है या ऐसा कुछ भी चीज एसेट और लायबिलिटी के साथ हुई है, तो फिर वो आएगा कैपिटल के अंदर, और यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वो आएगा रेवेन्यू के अंदर। तो हम ये देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बजट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज दैट? इट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आपको बताया था, एस्टिमेट करते हैं, पहले प्लान करके रखते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि कितना हो सकता है। ऑन डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स मतलब जो ग्रोथ की तरफ कोई भी काम ऐसा जो नेशन को, देश को ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, वो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। जैसे कि आपने कुछ अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज ऐसा कुछ किया तो वो डेवलपमेंटल में आता। रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, ये सब डेवलपमेंटल में आता। लेकिन आपको थोड़ा सुन के शायद शॉक लगे, लेकिन ये जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस और डिफेंस वगैरह मैकेनिज्म है, ये बिल्कुल भी डेवलपमेंटल में नहीं आता, ये नॉन डेवलपमेंटल है। क्योंकि ये डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, मगर इससे डेवलपमेंट नहीं हो रही। एक तरीके से पैसा वेस्ट हो रहा है प्रैक्टिकली, आप देखो ना, किसी के यूज में आ रहा है और वो वेस्ट हो जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अपने रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं करते। तो नॉन डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कुछ ऐसे हो सकते। इसके बाद इट कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। अब ये क्या चीज, प्लान्ड और अनप्लान्ड, मतलब करना क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर प्लान यानी कि इनको पहले से प्लान करके रखा गया कि ये पैसा वहां खर्च हो, और अनप्लान्ड मतलब सिचुएशनल, कोई पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे अभी जैसे लॉकडाउन आ गया, ये एक्सपेंडिचर ये कोई पहले से प्लान तो करके रखा नहीं होगा, ये तो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर है ना। तो ये अनप्लान्ड। अब जरा इसको देखते हैं, पहला, इसका पहला फर्दर क्लासिफिकेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि मैंने आपसे कहा, थोड़ा रिपीट हो रहा है बार बार, लेकिन प्लीज याद करने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, रेवेन्यू मतलब इसका कैपिटल और एसेट से कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड। सच एक्सपेंडिचर्स डज नॉट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। यदि मैंने पैसे खर्च किए और बदले में कुछ बनवा लिया, बिल्डिंग बनवा ली, डैम बनवा लिया, तो फिर वो रेवेन्यू के अंदर नहीं आएगा क्योंकि वहां पे एसेट आ गया। यदि डज नॉट, इसको भूलना मत, डज नॉट क्रिएट एसेट और लायबिलिटी, यहां लिख देता हूं, शायद डज नॉट क्रिएट एसेट और लायबिलिटी, इट डज नॉट क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। ये कोई एसेट नहीं क्रिएट करता, ना ही कोई ये लायबिलिटी को कम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, सैलरीज और ओल्ड एज पेंशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, वो वर्क ऑलरेडी पहले जैसे एक महीना पहले कर चुके हैं और फिर उनकी सैलरीज उनको बाद में दी जाती है, या ओल्ड एज पेंशन वालों को पेंशन दी जाती है ओल्ड एज के लिए। अब आप कहेंगे कि सर सैलरी तो काम के बदले में मिलती है, बदले में कुछ एसेट तो मिलता है। आप देखिए, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पे रेगुलर पेरोल पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, जिनकी सैलरीज गवर्नमेंट इश्यू करती है, वो मैक्सिमम मेंटेनेंस के काम में आते हैं। सर्विस या एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के ही काम में आ रहा है, तो वो सरकार का खर्च है। सरकार इज स्पेंडिंग दैट एंड दे आर नॉट गेटिंग बैक एनी एसेट अगेंस्ट दैट मनी। दे आर ऑलरेडी वर्क फॉर अ मंथ, नाउ दे आर गेटिंग अ सैलरी, अब उस सैलरी के बदले में कुछ मिलने वाला नहीं। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बूढ़े लोगों को, बुजुर्गों को दी जाती है, तो वो बदले में कोई एसेट उनको नहीं मिलता, और ना ही कोई लायबिलिटी। तो दोनों चीज ठीक। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फर्दर क्लासिफिकेशन, प्लान और अनप्लान।
तो प्लान मतलब एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्राम्स अंडर करंट 5 ईयर प्लान्स। करंट 5 ईयर प्लान्स के अंदर यानी कि 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे हम डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, 5 साल का प्लानिंग, ऐसा प्लानिंग कमीशन नाम की एक चीज होती है, वो प्लानिंग कमीशन अगले 5 साल के प्लान्स बनाते हैं। अब हालांकि उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया है, लेकिन ये प्लान जो नेक्स्ट 5 ईयर का बना के रखते हैं कि हमको 5 साल में आगे कहां जाना है, उसके लिए जो खर्च अभी प्लान किया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा, वो होगा प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के हो सकते हैं। इट कैन बी अ फॉर्म ऑफ असिस्टेंस गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, उनको जो हेल्प दी जाती है ये भी पहले से प्लान की जा सकती है। देन अनप्लान्ड, ये इन 5 ईयर प्लान में नहीं होते, नॉट इन दिस 5 ईयर प्लान। इट इज सिचुएशन डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है किसी सिचुएशन। अब ये यहाँ पे ना बढ़िया सा एग्जांपल यहाँ पे लेके रखा है हमने बिल्डिंग मेंटेनेंस का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग बनाई थी किसी टाइम पे, वो बिल्डिंग बनी हुई थी, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं था क्योंकि बदले में बिल्डिंग मिली, लेकिन अब वो बिल्डिंग ऐसी हालत में है कि उसका रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है, उसका मेंटेनेंस वर्क बहुत बढ़ चुका है, और यदि वो बिल्डिंग गिर गई तो फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। इसीलिए जो पैसा उसके मेंटेनेंस में लगाया जाएगा, अब ये अनप्लान्ड चीज है, अचानक से पता चलेगा कि अच्छा ये वाली बिल्डिंग को रिपेयर की जरूरत है, तो फिर वहां पे आपको बिल्डिंग मेंटेनेंस पे पैसा लगाना पड़ेगा, और फॉर दैट मैटर कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाती है तो वहां पे भी जो पैसा खर्च होता है दैट इज अनप्लान्ड, उसका प्लानिंग पहले से नहीं किया जा सकता। इसके लिए फिर आप पैसा कहां से लाते हैं, तो आपने डेफिनेटली अकाउंट्स में पढ़ा होगा प्रोविजंस बना के रखते, वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए भी कुछ प्रोविजंस बना के रखते, और उसके बाद यदि फिर भी खर्च आगे बढ़ रहा है देन दे रिक्वेस्ट पीपल टू डोनेट मनी, और देन दे रिक्वेस्ट सम फॉरेन कंट्रीज और लाइक अवर वर्ल्ड बैंक और एनी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और एनी बडी फ्रॉम द इंटरनेशनल और लोकल सेगमेंट कि वो पैसा डोनेट करे, तो यदि एक्स्ट्रा लगता है तो वहां से मांगते। तो ये क्या था हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, आपको जो भी चीज ना समझ आए आप उसको पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे इसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इसका सेकंड कैटेगराइजेशन है। कैपिटल, अब हमको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया है कि कैपिटल मतलब क्या होता है, करेक्ट, पता नहीं क्या बोला पर जो भी बोला सही बोला होगा कि कैपिटल मतलब एसेट और लायबिलिटी पे कुछ असर पड़ेगा। ओके, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, सच एक्सपेंडिचर्स विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स और रिडक्शन इन लायबिलिटी, मतलब या तो वो एसेट क्रिएट करने के काम आ रहा है एक्सपेंडिचर, या फिर वो अपनी किसी लायबिलिटी को कम करने के काम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने जमीन खरीदी, गवर्नमेंट ने जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी या शेयर्स वगैरह खरीदे, मतलब उनके एसेट्स बढ़ गए। ये जो मैं कहता हूँ आपने खरीदे तो याद रखना आपने मतलब कहीं कहीं पे गवर्नमेंट है, हमारा टॉपिक ध्यान रखना भूलना मत। परचेसिंग लैंड और बिल्डिंग और शेयर लाइक एनी काइंड ऑफ एसेट और लोन रीपेमेंट, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोन रीपेमेंट से क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी कम हो रही, आपको जो पेमेंट करना था, मान लो कि आपने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट के बदले में तो कुछ नहीं मिल रहा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन यू हैव रीपेड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, सो दैट विल रिड्यूस यूअर लायबिलिटीज, सो ये किसमें आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आया क्या समझ में, क्लियर क्लियर था, बजट एक्सपेंडिचर में इसमें कुछ था नहीं बहुत ज्यादा। कभी कभी देखो ऐसा लगता है कि बोर हो रहे हो या फिर मैं कुछ चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव क्लास में होता हूँ तो फिर मैं बच्चों से डायरेक्टली पूछ सकता हूँ ना आप सबसे, जैसे कि भाई समझ आया कि नहीं, क्या आया समझ में बताओ जरा, यहाँ पे वो वाली फ्रीडम नहीं है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बार बार रिपीट करके खुद ही इमेजिन कर लेते कि एक दो बार ये चीज बतानी, लेकिन आपको बोर होने की जरूरत नहीं है। अपलोड वगैरह करने में तो मेरा इंटरनेट पैक लग रहा है ना, तो हाँ नहीं डाउनलोड में तुम्हारा भी लगेगा, लेकिन ठीक है थोड़ा बेयर कर लेना, मतलब यदि आपको बोर भी हो रहा हो तो आप उस टाइम पे कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हो, बट देन रिपीट करने के पीछे पर्पस यही है कि ताकि रजिस्टर हो जाए प्रॉपर। ठीक है, सो ये यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट ही खत्म होते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज और बतानी है, वो ये कि डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल
तो मैंने कहा कि नॉन डेवलपमेंटल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इनसे कुछ फायदा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट नहीं होता वो अलग चीज है, लेकिन फायदा नहीं होता ऐसा नहीं है। नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज यानी कि पुलिस वगैरह, मिलिट्री, आर्मी, इनके होने से बाकी के काम स्मूथली चलते हैं। मतलब यदि पुलिस है तो सिक्योरिटी का उतना इशू नहीं होता जितना बिना उनके होता, तो चीजें स्मूथ चलती। यदि पर हमारी हैबिट होती है कि हम हमेशा नेगेटिव चीजों की बातें करते हैं, पॉजिटिव चीजों की बात नहीं करते। यदि मतलब आपके एक सिटी में या कहीं टाउन में एक्सीडेंट हुए हैं एक या दो, तो सब उस एक्सीडेंट की बात करेंगे, पर हजारों गाड़ियां डेली घर से निकल के वापस डेली घर पे पहुंच जाती है तो हम इसकी बात नहीं करते कि नहीं नहीं 99% लोग तो घर पे पहुंच गए, 1% का ही एक्सीडेंट हुआ शायद। तो नॉन डेवलपमेंटल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्प नहीं कर रहे। इस पूरे इकोनॉमिक व्हील के स्मूथ फंक्शनिंग में, इसके स्मूथली काम करने में काफी हेल्प करते। तो नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं कि वो यूजलेस एक्टिविटी, ठीक है? ओके, तो यहां हमारा कंपोनेंट्स खत्म होता है। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक बजट सरप्लस में होता है या कैसे डेफिसिट में होता है, बैलेंस बजट क्यों होना चाहिए, और उसकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।